भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, उसके पांच अलग अलग तरीके हैं। बहुत सावधानी से सुनना कथा, आपकी और हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करने वाली कथा। आज पंजाब की इस पवित्र भूमि पर अगर ये प्रसंग निकला है तो इसको आप अगर सुनेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। शिवजी को पांच तरह से जल चढ़ाने का तरीका है। जैसे पंचामृत होता है, दूध दही शहद घी शक्कर, ये सब पंचामृत के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह शंकर जी को पांच तरह से जल चढ़ाने का क्रम वर्णित किया गया। अब उसको समझेंगे, बहुत सावधानी से समझिएगा। पहला, जल लेकर आए, सीधे डायरेक्ट शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया, ये प्रथम जल का चढ़ाने का तरीका। दूसरा, जहां से पानी बहकर जाता है, जहां से जल बहकर जा रहा है, उसके ठीक विपरीत जल उत्तर में जा रहा है, आप दक्षिण में खड़े होंगे और दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करेंगे और शिवजी को जल समर्पित करेंगे। ये रोग मुक्ति करने वाला है और हमारे रोग पर हमें विजय प्रदान करने वाला है। ये जल चढ़ाने का था। एक सीधे मंदिर में गए, लोटा भर कर जल उठाया, शिवजी को चढ़ा दिया। दूसरा, जल जहां से पानी बहता है, शिवजी का चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जाता है, उसके ठीक विपरीत में शिवजी का जल इधर जा रहा है तो तुम यहां खड़े हो, तुम यहां बैठो, यहां मत बैठना, यहां मत बैठना, इधर बैठो, अगर रोग का निवारण है तो यहां बैठकर। तीसरा, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तक लेकर जाना और शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्ण जल समर्पित करना, यह तीसरा तरीका। यह कार्य की सिद्धता के लिए, हम जब किसी से आस ना लगाकर परमात्मा से विनती करते हैं तो वो विनती करने का तरीका। तीसरा, चौथा, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पांच जगह पर समर्पित करना, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलाधारी, ये चौथा क्रम है। जब जिस नारी का, जैसे एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है, मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है, मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा, सीढ़ी पर, ठीक है, आप हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ठीक है, कैमरे वालों को दिख गया ना, ठीक है। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, आप जो जल चढ़ाने का तरीका वर्णित करते हो, अगर उसको नियम से धारण करने वाला व्यक्ति होता है तो बाबा सुनता जरूर है। गुरुदेव, 2013 में मेरी शादी हुई, मुझे संतान का सुख नहीं हुआ, 10 साल हो गए औलाद नहीं हुई, दिल्ली का एक एक हॉस्पिटल जिसको हम दिखा सकते थे, अच्छे से अच्छा डॉक्टर जिससे हम जांच करा सकते थे, उसके अनुसार हमारे को संतान का सुख नहीं था। आयुर्वेदिक डॉक्टर, अंग्रेजी दवाई, होम्योपैथिक सब कराए, IVF भी कराया तो भी संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया, इधर उधर मत भटको, तुम्हें संतान नहीं होगी। जिसने जहां कहा हम वहां पर भी गए, गोदी भरवाई, झोली भरवाई, पर संतान नहीं है। गुरुदेव, मेरे बाबा की कृपा किसको कहते हैं, आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना, उसमें से जल बचाकर शिवजी को समर्पित करना, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना, ये बताया था, और मेरे बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा। मेरे बाबा ने मुझे आज 10 साल के बाद औलाद दी है, मैं उसको यहाँ प्रणाम कराने के लिए लेकर आई हूँ, उसको नमन कराने के लिए लाई। बच्चा लाए हैं क्या साथ में, बाबू को लाए हैं क्या, नहीं लाए, ठीक है, मैं प्रणाम करने के लिए लाई हूँ।
गुरुदेव बाबा बाबा है, बैठिए बहन, शिव तत्व है। एक जल चढ़ाने का तरीका, शिव जी को हम जो जल चढ़ाते हैं उसका एक तरीका भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उसको स्मरण में रख लिया तो हमारी कार्य की सिद्धता को सिद्ध कर देता है, हमें सफलता की ओर लेकर चले जाता है। सीधे जल चढ़ाना, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना, अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग तक जल चढ़ाना, पांच स्थान पर गणेश कार्तिकेय अशोक सुंदरी जलाधारी शिवलिंग पर जल चढ़ाना पांच स्थान पर, ये चौथे नंबर का। और पांचवा जल समर्पित करना, पांचवे नंबर का जल। शिवजी को पंचम नंबर का जो जल आता है, जो जलाधारी है ऊपर जिसमें पानी भरा रहता है और नीचे एक एक बूंद टपकता रहता, जलाधारी में जल समर्पित कर उसी जल को बचाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाकर उसी में से जल शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल हो